अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में अली 3510C और GH405S F1 F2 वाले जो बॉक्सेस हैं इनके बारे में एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो पूछते हैं कि क्या GH405S या अली 3510C, ये दोनों F1 F2 वाले बोर्ड हैं, क्या इनमें सी लाइन चलती है, स्पेशली अगर हम बात करें वीडियोकॉन 88 डिग्री इसके इवन सेटेलाइट की, जिसे आप DTH भी कहते हैं, क्या उसकी जो HD लाइन है CC कैम या MG कैम वो इन बॉक्सेस में GH405S और अली 3510C इनमें वर्क करती है या नहीं, अगर वर्क करती है तो कौन से सॉफ्टवेयर पर वर्क करती है। मुकम्मल डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और आपको बताते हैं कि GH405S और अली 3510C जो दो बॉक्सेस हैं F1 F2 वाले, क्या ये बॉक्सेस CC कैम या MG कैम को सपोर्ट करते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम इंडियन सेटेलाइट्स की बात करेंगे, GH405S और अली 3510C। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये दोनों जो बॉक्सेस हैं इनमें सी लाइन चल तो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक इशू आता है कि आपके पास सी लाइन में बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग और फ्रीजिंग का इशू आता है, क्योंकि ये दो बोर्ड हैं GH405S और अली 3510C, ये सी लाइन को इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करते। इनमें सी लाइन चल जाती है, ये बात नहीं कि चलती नहीं, चल जाएगी। अगर आपको GH405S और अली 3510C के सी लाइन वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप GH405S या अली 3510C सर्च करके उसका न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करें USB की मदद से। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर आपने सी लाइन चलानी है तो बेहतर है आप GH405S या अली 3510C की नस्बत 1506 में कोई भी बॉक्सेस बाय कर लें, जैसा कि 1506G, 1506T, 1506TV, 1506LV, 1507G, जिसे मैजिक बॉक्स भी कहते हैं। इनमें से अगर कोई भी बॉक्स आप बाय कर लेते हैं तो उनमें सी लाइन बहुत ही अच्छी चलती है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे नया हो या पुराना। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास GH405S और अली 3510C बॉक्सेस हैं, तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि ये वीडियो बनाकर आपको बता दूँ कि सी लाइन इन बॉक्सेस में इतनी अच्छी नहीं चलती, चल जाती है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ेगा ब्रेकिंग और फ्रीजिंग का। अगर आपके पास अली 3510C या GH405S वाले बॉक्सेस मौजूद हैं, उनमें सी लाइन की ऑप्शन नहीं आ रही, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप GH405S या अली 3510C का न्यू सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें तो सी लाइन की ऑप्शन आ जाएगी। आप इसमें CC कैम या MG कैम दोनों लाइन्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात कि सी लाइन चलाने के लिए ये रिसीवर या बोर्ड इतना अच्छा कारामद साबित